हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में ले लिया मैंने पानी, इसमें मैं ऐड करूँगी मैगी। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल। तेल इसलिए डाला है ताकि उबले तो एक एक पीस जो होगा इसका अलग होगा। नमक इसलिए डाला है कि उबलने में इसमें नमक अंदर तक चला जाए। नमक और तेल को इसमें मिक्स कर देंगे, उसको उबलने तक ढक के रख देंगे। लेकिन मैगी हमारी गल चुकी है, अब इसे पानी में निकाल देंगे। हमने पानी से निकाल लिया है, अब एक बार साफ पानी से और धो लेंगे इसको दो तीन पानी, ताकि इसमें ज़रा सा भी जो भी स्टार्च लगा हो वो भी निकल जाए। देखिए हमारी मैगी का एक एक पीस बिल्कुल अलग अलग दाना बनाए। अब इसकी हम बाकी सब्जी के साथ इसकी बाकी तैयारी करते हैं। मैगी के लिए मैंने ले लिए शिमला मिर्च, इसे छोटे छोटे काट लिया, और मैंने ले लिए टमाटर। आइए कढ़ाई ले लिए, इसमें डाल देंगे तेल, इसमें ऐड करेंगे हींग, डालेंगे जीरा, इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। हमारी शिमला मिर्च हल्की सी फ्राई हो गई है, इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे अपने टमाटर। अब इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, तो डालेंगे हल्दी, नमक अपने टेस्ट के अनुसार, जिस हिसाब से आपकी मैगी है मैगी नमक उसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मसाले में भी नमक है। हल्की सी डाल देंगे मिर्च, इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, ताकि हमारा जो ये टमाटर है वो गल जाए। चेक कर लेते हैं, हमारे टमाटर आलमोस्ट गल गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे अपनी मैगी को, ऐड करते हैं अपने मैगी के मसाले। मैं इसमें दो शेशे कर रही हूँ। मैंने 5 मैगी के पाउच लिए थे, लेकिन मैंने बाकी मैगी भी मसाले भी डाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ 2 ही पीस मैगी के मसाले के डाल रही हूँ। अब इसमें सारे में इसको ऐड कर देंगे, मसाले को अच्छे से सारी मैगी में मिक्स कर लेंगे। आइए अब इसको सर्व करते हैं। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेमेडी कैसी लगी।